everyone, this video is about January to April 2022 new topics. Earlier जो हमने वीडियो बनाई थी that was for January 2022 new topics. ये जो है this is for four next months. ये जो टॉपिक्स हैं इनमें से काफ़ी टॉपिक्स तो ओल्ड ही रिपीट हुए हैं, लेकिन इस जो न्यू लिस्ट में टॉपिक आए हैं दोबारा से आफ्टर वन और टू ईयर हम उनको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट जो टॉपिक है दैट इज डिस्क्राइब अ स्किल यू लर्न फ्रॉम ओल्ड पीपल. अब इसमें आपको बताना है कि आपने किसी ओल्ड पर्सन से कोई स्किल सीखी, चाहे वो गाड़ी चलाना हो, चाहे कंप्यूटर चलाना हो, चाहे फिर साइकिल चलाना ही क्यों ना हो. द नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्क्राइब द पर्सन यू फॉलो ऑन सोशल मीडिया. इसमें गाइज आप सभी फॉलो करते हैं, आपको पता ही है, कोई क्रिकेटर्स को फॉलो कर रहा है, कोई पॉलिटिशियंस को, कोई किसी एक्टर को फॉलो कर रहा है, तो आप उसके बारे में बता सकते हैं कि कौन है वो, व्हाई यू फॉलो दैट पर्सन, क्या उससे आप इंस्पायर हैं, तो कैसे हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्क्राइब अ कोर्स दैट इम्प्रेस यू अ लॉट. इसमें आप बता सकते हैं कोई आपने कोर्स किया, चाहे वो बेकिंग हो, कुकरी हो, कंप्यूटर से रिलेटेड हो, एनिमेशन हो, फिर आप उससे काफ़ी इम्प्रेस हुए क्योंकि उसका काफ़ी स्कोप है आगे चल के. डिस्क्राइब अ थिंग यू डिड टू लर्न अदर लैंग्वेज. गाइस जहाँ पे आपको अपने एफर्ट्स बताने हैं किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए, फॉर एग्जाम्पल आजकल लोग फ्रेंच और स्पेनिश सीखते हैं, जर्मन सीखते हैं, तो आपको बताना है कि आपने कैसे क्लासेस ज्वाइन की या कोई ऑनलाइन पोर्टल से तैयारी की, कैसे आपने उस लैंग्वेज को लर्न किया और पर्पस क्या था उसको लर्न करने का. नेक्स्ट टॉपिक गाइस है डिस्क्राइब स्पेशल केक यू रिसीव्ड फ्रॉम अदर. इसमें आपको बताना है कि केक किसने आपको दिया या किसने आपके लिए बनाया और वो क्यों स्पेशल था. नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्क्राइब एन इंटरेस्टिंग सॉन्ग यू हैव हर्ड. आप इसमें किसी भी सॉन्ग का जिक्र कर सकते हैं जो आपको इंटरेस्टिंग लगता है. आपको लिरिक्स पता होना चाहिए, सिंगर पता होना चाहिए, आपको फिर बताना है कि क्यों आपको वो सॉन्ग, पर्टिकुलर सॉन्ग इंटरेस्टिंग लगा. नेक्स्ट जो टॉपिक है गाइस दैट इज डिस्क्राइब अ प्लेस इन अ विलेज दैट यू विजिटेड. लाइक यू हैव विजिटेड अ कंट्री साइड एरिया, वहाँ पे एक पर्टिकुलर फार्म विजिट किया आपने या वहाँ कोई रिलीजियस प्लेस विजिट की, तो आपको बताना है कहाँ थी वो, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका वो. नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्क्राइब एन इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन यू हैड विद योर फ्रेंड. ये बहुत ओल्ड टॉपिक है, इसमें आपको पहले तो बताना है कौन है वो फ्रेंड, किस टाइप की कन्वर्सेशन थी और क्यों आपको लगा वो इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल कन्वर्सेशन रही. नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्क्राइब अ लॉन्ग वॉक यू एवर हैड. ये भी ओल्ड टॉपिक है गाइस, रिपीट हुआ है. इसमें आपको बताना है कि आप लॉन्ग वॉक पे गए, कहाँ गए. कई बार कोई बीच पे जाता है, कोई फॉरेस्ट एरिया में जाता है, कोई हिल्स पे जाता है, कोई नॉर्मल यहीं पे वॉक के लिए जाता है, तो आपको बताना है कि लॉन्ग वॉक किसके साथ गए, कैसा रहा, इंजॉय किया आपने. नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्क्राइब अ सिटी यू थिंक इज वेरी इंटरेस्टिंग. अब आपने इसमें बताना है कोई सिटी है, चाहे आप वहाँ गए हैं या जाना चाहते हैं या उसके बारे में आपको नॉलेज, आपको लगता है बहुत इंटरेस्टिंग है, फिर बताना है क्यों इंटरेस्टिंग है, व्हाई यू वांट टू विजिट, कितना टाइम वहाँ रहोगे. डिस्क्राइब एन आइटम ऑफ क्लोथिंग दैट समवन गेव यू. गाइस ये टॉपिक है किसी ने आपको गिफ्ट में दिया है कुछ पीस ऑफ क्लोथिंग. पहले तो आपने बताना है किस ओकेजन पे गिफ्ट था, क्या था, वॉज इट अ ड्रेस और अ गाउन और अ टॉप, वट काइंड ऑफ क्लोथिंग आइटम इट वॉज, on what occasion it was given, why you liked it or not liked it. The next topic is describe a rule you don't like. Guys, पहले topic आता था school rule, कि आपको किसी school में कोई rule पसंद नहीं आया. यहाँ general topic है, any rule you dislike. क्यों आप dislike कर रहे हैं उस rule को, क्या पता rule अच्छा है लेकिन आपको लगता है implementation नहीं सही हुई, फिर आप बता सकते हैं rule क्या है और आपको क्यों लगता है कि उसका use नहीं है society को. The next topic is describe a time you visited new place. Guys, इसमें आप इतने trips पे जाते रहते हैं, आप बात कर सकते हैं कि आप Pink City जयपुर गए या आप सोलन जाके आए, आपने snowfall enjoy की या फिर आप चंडीगढ़ ही गए, कहीं भी आप गए और आपको लगा वो नई जगह थी और आपको बहुत enjoy किया आपने. Next topic is describe someone you really like to spend time with.
अब इसमें आपको चाहे इट कैन बी योर फैमिली मेंबर, इट कैन बी योर फ्रेंड, इट कैन बी एनी अदर पर्सन जिसके साथ टाइम स्पेंड करना आपको अच्छा लगता है. फिर आप पहले तो उसका बताएंगे, फिर बताएंगे उसको कितनी नॉलेज है, या आप दोनों का बहुत अच्छा बॉन्ड है, आप उसके साथ जब टाइम स्पेंड करते हैं तो यू इंजॉय अ लॉट. द नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्क्राइब अ हाउस और एन अपार्टमेंट यू वुड लाइक टू लिव इन. गाइज इसमें आपने बताना है आप किस में रहना चाहेंगे इन फ्यूचर, किस तरह का अपार्टमेंट और हाउस होगा, क्या फैसिलिटीज होंगी और आप वहां किसके साथ रहना चाहेंगे. द नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्क्राइब अ स्टोरी समवन टोल्ड यू एंड यू रिमेंबर. ऑफ कोर्स वी ऑल हैव हर्ड स्टोरीज फ्रॉम आवर ग्रैंड पेरेंट्स, यू कैन टॉक अबाउट दैट. या फिर स्कूल में टीचर ने कोई स्टोरी सुनाई और आपको लगता है कि आपको वो याद है क्योंकि उस स्टोरी में कुछ ऐसा था जिसने आपकी लाइफ को टच किया. यू कैन टॉक अबाउट एनी स्टोरी. नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्क्राइब अ पर्सन हु कंट्रीब्यूट्स टू द सोसाइटी. हमें आजकल पता ही है गाइस कितने सोशल वर्कर, डॉक्टर, नर्सेस, दे आर कंट्रीब्यूटिंग सो मच टू द सोसाइटी इन दिस COVID-19 एरा. तो आपको पता ही है कितनी कंट्रीब्यूशन उनकी रही है. और भी बहुत सोसाइटीज, कम्युनिटीज हैं जो बहुत कुछ कर रहे हैं लोगों के लिए. तो आपको पहले तो बताना है कि ये पर्टिकुलर पर्सन किस कम्युनिटी से जुड़ा है या किस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा है और क्या ये करते हैं सोसाइटी के लिए. द नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्क्राइब अ गिफ्ट यू वुड लाइक टू बाय फॉर योर फ्रेंड. गाइज टॉपिक क्या है, गिफ्ट आप लेना चाहेंगे अपने फ्रेंड के लिए. पहले बताएंगे कौन फ्रेंड है और आपको क्यों लगता है उसको ये गिफ्ट चाहिए और क्या आप कर रहे हैं उसको बाय करने के लिए. अगर कॉस्टली है तो क्या आप अपना पैसा जोड़ रहे हैं या फिर वो नॉर्मल एक गिफ्ट है, आपको लगता है वो किसी स्पेशल प्लेस पे मिलता है वहाँ से आप बाय करने का सोच रहे हैं और आपको क्यों लगता है वो यूजफुल गिफ्ट होगा आपके फ्रेंड के लिए. द नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्क्राइब अ थिंग यू कैन नॉट लिव विदाउट. हम सबको पता है इन दिनों हम किसके बिना नहीं रह सकते, एक तो हमारा मोबाइल फोन, दूसरा लैपटॉप या कंप्यूटर. लेकिन उन्होंने कहा है कि अदर देन दिस, क्योंकि एवरी सेकेंड स्टूडेंट इज गोइंग टू स्पीक ऑन मोबाइल फोन एंड कंप्यूटर्स, उन्होंने इसमें ऑप्शन ही रख दी कि अदर देन दिस, इन दोनों के अलावा किसके बिना नहीं आप रह सकते. तो इसमें फिर आपको अपनी कोई इंपॉर्टेंट गैजेट का भी जिक्र कर सकते हैं और जैसे बुक्स का, कि मेरे को लगता है मुझे रीडिंग हैबिट है, आई कैन नॉट लिव विदाउट बुक्स. या कोई आपकी एक पर्टिकुलर, आप किसी प्लेस पे विजिट करते हो तो आपको लगता है उसके बिना नहीं आप सर्वाइव कर सकते या आपको अच्छा फील नहीं होता. जरूरी नहीं सर्वाइव नहीं कर सकते, अच्छा भी नहीं फील होता, ऐसा भी कह सकते हो. नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्क्राइब अ पर्सन हु इम्प्रेस्ड यू द मोस्ट व्हेन यू वर इन प्राइमरी स्कूल. गाइज अगर आपको याद हो हमारे स्कूल में हम सबसे ज्यादा किससे इम्प्रेस होते थे, हमारे टीचर्स से, प्रिंसिपल से. तो यू कैन ईजिली टॉक अबाउट देम कि क्यों आप इम्प्रेस थे और आपको क्या लगता था. याद है अगर आपको जो व्हेन वी वर लाइक वेरी यंग, हम लोग कैसे अपने टीचर्स को एडमायर करते थे कि हम इन जैसा बनेंगे बड़े होके, चाहे हम ना बने लेकिन इफ़ यू रिमेंबर हम सब प्राइमरी स्कूल में किसी ना किसी को एडमायर करते थे, कई अपने सीनियर्स को भी करते थे. तो यू कैन टॉक अबाउट दैट. नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्क्राइब एन एक्सपीरियंस दैट लेफ्ट यू फील डिसअपॉइंटेड. गाइज ये टॉपिक में आपको बताना है कि कोई आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया लाइफ में जिससे आपको काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट मिली. चाहे आपने कोई कोर्स ज्वाइन किया वो वर्थ नहीं रहा, या फिर आपने कोई सेमिनार अटेंड किया उसमें आपको लगा टाइम वेस्ट हुआ, या आपने कोई ऐसा कोर्स ज्वाइन कर लिया 1 ईयर के लिए और आपको लगा उसका बाद में फ्यूचर में कोई यूज़ ही नहीं है, तो आपको वो वेस्ट लगा अपना टाइम एंड मनी, बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ आपको जब बाद में आपको रियलाइज हुआ. द नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्क्राइब एन आइटम ऑन विच यू स्पेंड मोर देन एक्सपेक्टेड. आपने कुछ खरीदा या कोई सर्विसेज ली जिस पे आपने मोर देन एक्सपेक्टेड स्पेंड किया. जैसे कि आप सोच रहे थे कि मैं एक मोबाइल पे 11,000 लगाऊंगा लेकिन आपके लग गए 21,000. या आपने कोई सर्विस ली, आप कोई हेयर स्पा वगैरह के लिए गए, आपको लगा ये 2,000 में वो मिल जाएगा लेकिन आप जब पे करने गए तो 5,000 पे करना पड़ा. किसी रेस्टोरेंट में गए वहाँ आपका ऐसा बिल बन गया तो आपको लगा कि जितना आपने सोचा था उससे ज़्यादा आपने स्पेंड किया. यू कैन टॉक अबाउट दैट सिचुएशन. द नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्क्राइब एन एक्टिविटी यू यूजुअली डू दैट वेस्ट योर टाइम. हम सबको पता है हम आजकल क्या करते हैं, इंस्टाग्राम की फीड्स देखने में ही 2-2 घंटे वेस्ट करते हैं. तो आप उसके बारे में भी कह सकते हैं कि मैं ऐसी एक्टिविटी है, डेली पैसिव एक्टिविटी है, मैं लेके बैठ जाता हूँ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट और स्ट्रीक्स भेजते रहते हैं, टाइम वेस्ट होता है उसमें. आपको लगता है
कि वो इतना है नहीं, कि फ्रूटफुल नहीं है आपके लिए, उससे बेटर है आप कुछ और कर लें, या फिर आप टीवी देखते रहते हैं हर इवनिंग, आपको लगता है उससे भी आपको कुछ नहीं देखने को मिलता क्योंकि आप कुछ अच्छा तो देख नहीं रहे, आप उस पर क्या देख रहे हैं, मेलो ड्रामा जो आपको लगता है उसका कोई रिलेशन नहीं आपकी पर्सनल लाइफ से, तो वो भी आपको लगता है कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है और आप चेंज करना चाहते हैं वो हैबिट। द नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्क्राइब अ स्किल दैट वॉज डिफिकल्ट टू लर्न। गाइज, कोई भी स्किल हम जब सीखते हैं उससे पहले हमें डिफिकल्टी लगती है, बी इट स्विमिंग, ड्राइविंग, कुकिंग और साइकिलिंग, हमें लगता है बहुत डिफिकल्ट है, हमसे बैलेंस ही नहीं बनेगा, लेकिन हम धीरे धीरे सीख जाते हैं। स्विमिंग, हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम ही रहती है स्टार्टिंग में, लेकिन हम सीख जाते हैं स्विमिंग भी। तो आप इसमें पहले बताएंगे क्यों डिफिकल्ट लगा, फिर कैसे आपने उस डिफिकल्टी को ओवरकम किया, कैसे उस स्किल को लर्न किया। नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्क्राइब अ टाइम यू मूव टू न्यू होम। गाइस, पहले टॉपिक था डिस्क्राइब अ हाउस अपार्टमेंट यू वुड लाइक टू लिव इन फ्यूचर, यहां है टाइम यू मूव टू अ न्यू हाउस, और कई बार ये आता है मूव टू अ न्यू स्कूल ऑल्सो। तो इसमें आपने बताना है कोई पास्ट का ऐसा टाइम जब आप नए घर में शिफ्ट हुए थे या फिर नए स्कूल में मूव हुए थे, फिर आपको सिचुएशन बतानी है क्यों मूव हुए, घर छोटा था फिर बड़ा ले लिया, फादर की ट्रांसफर होगी तो स्कूल चेंज करना पड़ा, फिर कैसे कैसे आपने एडजस्टमेंट की। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू फेल्ट प्राउड ऑफ अ फैमिली मेंबर। गाइज, इसमें आपने बताना है किसी फैमिली मेंबर ने कुछ अचीव किया, फॉर एग्जांपल आपका कज़न आईएएस ऑफिसर बन गया, आपकी सिस्टर जज बन गई, तो आपने बताना है क्यों आपको प्राउड हुआ और कैसे उसने आपका नाम, आपका और आपकी फैमिली का नाम कर दिया सोसाइटी में, न्यूज़पेपर ने कवर किया, या फिर आपका कोई कज़न फॉरेन में किसी आर्मी में सिलेक्ट हो गया, क्रिकेटर बन गया, एनी फील्ड गाइज, ऑल फील्ड आर सेम, किसी में भी उसने सक्सेस पाई और आपको लगता है कि यू आर प्राउड ऑफ दैट पर्सन। या आजकल आपको पता ही है डॉक्टर्स आर डूइंग सो मच फॉर कोविड पेशेंट्स, तो आपका कोई कज़न डॉक्टर है या बहन भाई डॉक्टर है, उसने कितना सेक्रीफाइस किया उन दिनों, यू कैन टॉक अबाउट दैट एंड हाउ प्राउड योर फैमिली एंड यू फील फॉर हिम। द नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू हैव द फ्रेंड। इस टॉपिक में आपको ऐसी सिचुएशन बतानी है कि जब आपने अपने किसी फ्रेंड की हेल्प की, चाहे वो फाइनेंशियल हेल्प है, चाहे वो इमोशनल हेल्प है, चाहे आपने उसका कोई होमवर्क असाइनमेंट किया, इट कैन बी अ स्मॉल हेल्प एज वेल, आपको बताना है क्यों फ्रेंड को नीड थी हेल्प की, क्यों आपने हेल्प की, कैसे की और हाउ यू फेल्ट अबाउट दैट। डिस्क्राइब अनदर प्लैनेट यू वुड लाइक टू लिव इन द फ्यूचर। इसमें गाइज आप बता सकते हैं आजकल मार्स पे ऑलरेडी रिसर्च चल रही है कि लाइफ इज पॉसिबल देयर, तो आप इसमें बना सकते हैं कि लोग आजकल कह रहे हैं टूरिज्म प्रमोट किया जाएगा मार्स पे, तो अगर फ्यूचर में चांस मिला, आई वुड लव टू एक्सप्लोर दैट अपॉर्चुनिटी, आई वुड लव टू सी हाउ पीपल लिव देयर, आई वुड लव टू सी एलियंस इफ आई गेट अ चांस, यू कैन टॉक अबाउट एनी इमेजिनरी थिंग्स इन दिस। द नेक्स्ट टॉपिक इज टॉक अबाउट अ प्लेस यू विजिटेड ड्यूरिंग योर लास्ट हॉलीडे। गाइज, अगर आप कोविड के बाद या कोविड से पहले किसी भी लास्ट हॉलीडे पे गए हैं, वहाँ पर्टिकुलर प्लेस यू कैन टॉक अबाउट, जैसे आप किसी गोवा में गए हैं तो किसी बीच का बोल सकते हैं पर्टिकुलर, मुंबई गए हैं तो किसी चर्च का जिक्र कर सकते हैं, अगर आप कश्मीर गए हैं तो आप डल लेक का जिक्र कर सकते हैं, कोई भी ऐसी जगह जहाँ आप गए अपने लास्ट हॉलीडे पे, फिर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कितना अच्छा लगा आपको वहाँ जाके। And the last new topic in Jan to April list is describe a puzzle you tried to solve. It can be any puzzle, sudoku, jigsaw. फिर आपको बताना क्या किया आपने उसको सॉल्व करने को, क्या आप सॉल्व कर पाए या बीच में ही रह गई या किसी की हेल्प ली, यू कैन टॉक अबाउट दैट। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू गेट आइडियाज ऑन न्यू टॉपिक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।